ये जो है ना, ये वाहन वगैरह बताता है गाड़ी कैसी खरीदेंगे, ठीक है, अच्छा ओके और गाड़ी खरीदना कितना जरूरी है आपके लिए जी या गाड़ी खरीद के आप आपका सिर दर्द बढ़ेगा कि घटेगा सिर दर्द या मतलब कैसा लगेगा आपको गाड़ी खरीद के, बेसिकली जी ये आप ये वाले चार्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखिए, इसमें सब इसमें ना एक बहुत जरूरी घर है वो देखने के लिए, वो है कि जी तीसरा घर कौन कहाँ है आपका, ठीक है, ये जी वाले कुंडली में तीसरा घर का जो स्वामी गुरु जो है वो फिर से आप देख रहे हैं, ये राहु के साथ बैठा है 11वें घर में, तो जी तीसरा घर जो है वो स्टेयरिंग जो हम पकड़ते हैं ना वो है गाड़ी का, अच्छा ओके हाँ चाबी जैसा हम चाबी घुसाते हैं ना गाड़ी को चलाते हैं, वो तीसरा घर से देखा जाता है। तो अब हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि ये गुरु जो है राहु केतु के साथ 11वें घर में, तो ये आदमी को गाड़ी जो खरीदना है या गाड़ी चलाना है वो इच्छा कहाँ से आएगा इसके दिमाग में, तो ऐसा ऐसा होगा कि 11वां घर मतलब जो कोई दोस्त है इनका, वो दोस्त कोई प्रेरणा देगा कि तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी खरीदो, गाड़ी सीखो, जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, तो उस टाइप का। और क्योंकि ये जी राहु केतु के साथ जुड़ गया है तो इसके वजह से ऐसा होगा कि वो किसी दूसरे प्राण से होगा वो, या किसी दूसरे धर्म से होगा वो, ओके तो ये जैसा आदमी है ये एक गुजराती है जितना मुझे याद है, ओके गुजराती का कुंडली है ये, और इसने बताया था कि एक बार ये किसी सिलसिले में ये श्रीलंका गया हुआ था अपने काम के सिलसिले में, और जैसे श्रीलंका जी गया हुआ था तो वहाँ पे एक सिंहाली जो है उन्होंने इनको बताया था कि आप गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीखते तो वहां अच्छा से ये शुरू हुआ एकदम, कि वहां से कि मुझे गाड़ी सीखना है, गाड़ी चलाना है, गाड़ी सीखूंगा मैं, और उसके बाद उन्होंने फाइनली गाड़ी चलाना सीख लिया आके एट द एंड में। और अभी मैंने एक और चीज देखा है कि अगर ये वाले वर्ग कुंडली में अगर तीसरा और पांचवा घर का कुछ संबंध होता है, तीसरा और पांचवा घर, तो वो आदमी को ना गाड़ी खुद चलाना बहुत पसंद होता है, वो आदमी को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो गाड़ी है ये मैं किसी ड्राइवर को ना दूं चलाने के लिए, ये गाड़ी मैं खुद चलाऊं। आपका थोड़ा फ्रीज हो गया है, आपको सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ फ्रीज हो गया आप, रिज्यूम कर देता हूँ, ठीक है, कनेक्शन अभी फिर से आ गया है। हाँ तो ये वाला कुंडली ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। मैं रिकॉर्डिंग फिर से शुरू कर देता हूँ हाँ हाँ कोई बात नहीं, जी, हाँ तो ये घर बताइए जी मैंने जैसे बताया था ये गाड़ी के लिए है, तो इसमें मैंने जी देखा है कि अगर पांचवा घर तो आपको पता ही है आपको क्या पसंद है ना, आप किस चीज से आप जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो बताते, तो मैंने हमेशा देखा है ये वर्ग कुंडली में अगर तीसरा और घर और पांचवा घर का कोई संबंध होता है ओके तो आपको हमेशा गाड़ी खुद चलाना पसंद होता है अच्छा हाँ मतलब आपको कोई आप किसी दोस्त के गाड़ी में भी बैठेंगे ना आप बोलेंगे भाई तू रहने दे मैं चला लेता, नहीं जी क्योंकि वो पांचवा घर है ना और तीसरा घर है तो दोनों का संबंध है, यहाँ पे देखिए गुरु पांचवा घर को दृष्टि दे रहा है 11वें घर से, जी और इसके वजह से क्या होता है कि ये आदमी को ना हमेशा ही एक वो रहता है, इनफैक्ट कब कितना बार तो ऐसा हुआ है कि ये जो कभी कभार ये इंडिया में जो ये ओला और उबेर वगैरह ये सब आता है, कभी कभार जब जी ये उनमें ट्रेवल करता है ना ये भी उस ड्राइवर को ही बोल देता है भाई तू बाजू में बैठ मैं जी चलाऊ,
और ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाता है, बोले क्या बक रहा है आप, गाड़ी मैं आपको कैसे दूँ चलाने के लिए, बोला नहीं जी तू साइड में बैठ मैं चलाता हूँ। लाइसेंस है मेरे, लाइसेंस है मेरे। जी जी तो हाँ तो ये है। और तो ये तीसरा घर से हम देखते हैं गाड़ी चलाना वगैरह ना, तो और ये मैंने देखा जब तीसरे घर में मंगल कैसे भी जुड़ जाता है। ये जी आदमी तो 100 के नीचे चलाता ही नहीं है गाड़ी, कभी नहीं, अच्छा 100 के नीचे कभी नहीं चलाई जाएगी। यहाँ पे जर्मनी में मेरे एक दोस्त है, मैं जानता हूँ उनको, उनका जो जी मंगल है वो 8वें घर में है, वहां से तीसरे घर को दृष्टि देता है। दृष्टि ए, उनका गाड़ी गाड़ी में बैठे ना एकाध माला जप करके बैठना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, आप उतरेंगे तो क्या हाल होगा आपका। तो इनका इनका भी बाबूजी जी जैसे बृहस्पति है थर्ड हाउस का लॉर्ड, और वो राहु केतु के साथ बैठा है, तो ये भी काफी उसी ढंग से चलाते होंगे मुझे लगता है। हाँ इनका ये जो राहु केतु है ना, ये थोड़ा उस टाइप के होते हैं, इनको वो मतलब इनके आस पड़ोस में जो गाड़ियां ज्यादा फेमस है ना, वो गाड़ियां इनको पसंद नहीं आता है। अच्छा ओके हाँ तो मतलब जैसे हमारे इंडिया में जैसे वो कंपनी है ना मारुति हो गया, या वैसे उस टाइप की बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे जी जी टाटा भी पसंद नहीं है, महिंद्रा कुछ पसंद नहीं है सब इनको, जी बस वो फॉरेन में जो गाड़ियां बनती है। फॉरेन हाँ जी जी भले ऐसा हो सकता है कि कोई जैसा मर्सिडीज इनको मिले 40 लाख का, और एक कोई टोयोटा का कोई गाड़ी मिले, तो भी वो ना वो मर्सिडीज को ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि या शायद टोयोटा भी कर सकते, वो डिपेंड करेगा कि उनका उनके आजू बाजू के लोग कौन से गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उनसे अलग जी इनका इंटरेस्ट हमेशा जाता है। और अभी इसमें आप देखेंगे ना, ये शनि जो है इनका जो लग्नेश है, जी तो शनि जो है वो 7वें घर में, ठीक है, वो यहाँ पे दिग्बल में है, तो अच्छा ये कुंडली का जो लग्नेश है ना वो बताता है कि आप गाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं। अच्छा हाँ और जो जिस राशि में बैठा है ना, उस राशि के जो रंग है, उन रंग की गाड़ियां आपको ज्यादा पसंद आ सकती। ओके हाँ तो इनका जैसा शनि ये कर्क राशि में बैठा है, तो इनको जी ना हमेशा सफेद या क्रीम या लाइट रंग की जो गाड़ी है ना वो ज्यादा पसंद आता है। इसमें भावजी जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा जो हाँ बहुत से दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसे नई गाड़ियां लोग खरीदते हैं तो ज्योतिष लोगों से कंसल्ट करते हैं कि सर हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी, हाँ फिर से अटक गए आपका। तो कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है कि कौन से कलर की गाड़ी लेनी चाहिए जो शूट करे। हाँ कौन से कलर का गाड़ी लेना चाहिए, राइट। जी। हाँ तो उसमें सबसे पहले तो हमको दशाएं देखनी पड़ेगी कि अच्छा ओके दशाएं उसकी जैसी है ना वैसी गाड़ियां उसको उस टाइम ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप एक इंसान को ऐसे पूछोगे ना कि तुमको अगर गाड़ी लेना है तो कौन सा लोगे, ऐसा नहीं कि जी आज कौन सा लोगे कल कौन सा लोगे, अगर ऐसे ही लेना है तो कौन सा लोगे, तो जी ये कुंडली का जो लग्नेश है वो जिस जी राशि में बैठा है ना, उस राशि के जो जो रंग है वो आप ले सकते हैं। या तो या अगर ये नहीं हो, ये रंग आपको पसंद नहीं है, तो जी पंचमेश जो राशि में बैठा है ना, तो अभी यहाँ देखिए शुक्र जो है पंचमेश है, वो जी मिथुन राशि में राइट बैठा है, तो मिथुन के जो जो रंग है ना वो राशि के, या बुध के जो रंग है वो आप ले सकते हो, राशि के रंग ग्रह के नहीं, राशि के जो रंग है वो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके ओके और इसके अलावा अभी ये 10वां घर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, तो जी अभी आप सोच रहे होंगे कि 10वां घर का ये कुंडली से क्या संबंध है, जी लेकिन बहुत संबंध है, एज इन 10वें घर के साथ, मतलब वो व्यवसाय से संबंधित नहीं है ये वैसे,
जी लेकिन अगर दसवें घर में कुछ को बहुत बड़ा कोई योग या ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो ये गाड़ी जब वो खरीदता है ना, उसका पूरा उसको जैसा ना नाम इज्जत शोहरत बहुत बढ़ जाता है उसका। बढ़ जाता है। हाँ, ये चीज बहुत से लोग बताते हैं अनुभव से कि हमने ये गाड़ी खरीदी, उसके बाद हमारा बहुत प्रोग्रेस हुआ। ये बिल्कुल सही पॉइंट आप बोल रहे हैं बाबू हाँ जी। तो अभी यहाँ पे देखिए सूर्य जो है दिग्बल में बैठा है, तो इनका जो है अभी ये बहुत पेचीदा हो जाता है। ये एक तो ये नीच का हो गया सूर्य, जी उसके बाद लेकिन ये दिग्बल में भी, तो अभी क्या होता है जो रिजल्ट होता है ना वो ग्रह के घर के अनुसार आता है। तो अब सूर्य अगर दिग्बल में है तो इसको नाम इज्जत शौहरत मिलेगा, जी लेकिन ये राशि बताता है ना कि उस टाइम आपके अंदर क्या चल रहा है जब वो मिल रहा है। अच्छा, हाँ तो अब ओके जी क्योंकि ये नीच का है ना, तो जी ये क्या करेगा ना, ये एक जैसा इसके संस्कृत में एक शब्द है इसके लिए जैसे ऑब्सेशन या पागलपन बोलते हैं ना, जी तो ये जो इसको मिलेगा ना ये अपने आप नहीं मिलेगा, ये मतलब ये थोड़ा दिखावा ज्यादा करेगा कि अरे देखो हमारे पास इतना बड़ा गाड़ी है, ये है वो है, ये गाड़ी हमने खरीदा है तो किसी ने नहीं खरीदा है। जी तो ये करने के लिए ना उसको बहुत मुश्किल होगा। ये मतलब वो नीच ग्रह मतलब जबरदस्ती कुछ तो वो दिखावाबाजी कर रहा है कि देखो मतलब जोर से चलाएगा, हॉर्न ज्यादा मारेगा तो दूसरों को दिखाएगा देखो मेरा गाड़ी कितना बड़ा है। तो ये है, जी अगर ये सूर्य अगर सिंह राशि का होता है या किसी अग्नि राशि में होता तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो बोलता कि मैं तो बैठा हूँ बस, जिसको जो करना है करो। बहुत बढ़िया, ये बहुत सूर्य बढ़िया, बहुत नीच का है। ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। जी, हाँ मतलब तो एक ये जो नीच राशि का किस तरह का फल होता है, हर भाव के लिए इसको जो हमारे दर्शक हैं जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं, वो उनको इसका नोट लेना चाहिए। जितना जिस ढंग से भावजीत जी ने बताया कि अगर ग्रह नीच का है तो वो उसको इनफोर्स करने का अननेसेसरी करेगा, प्रयास करेगा, और अगर ग्रह मजबूत है तो स्वयं में ही वो भावनाएं अपने आप ही वो चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगी। बहुत सही, परफेक्ट। और इसके बाद लास्ट एक चीज बता दूंगा मैं, जैसे ये इस कुंडली में ना 6-8 12 भाव जो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जी अच्छा बताता है कि आपका एक्सीडेंट क्यों हो सकता है गाड़ी में। जी तो अभी ये देख रहे जी शुक्र बैठा है छठे घर में, जी और छठा घर आपको पता है वो तो खास करके वो जो एक्सीडेंट का है ना उसका है, और जी आठवां घर बताता है चोट क्यों लग सकता है आपको, और बारहवां घर जी बताता है आपका नुकसान पैसा कब बर्बाद हो सकता। जी जी तो अभी ये शुक्र देखिए, तो ये आदमी को हम वो उर्दू में एक शब्द है ना हिदायत बोलते हैं इसको, हिदायत जी मतलब वो रेस्ट्रिक्शन। हिदायत इंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ कि जी कभी भी कोई मतलब ये तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कभी भी कोई भी ड्रिंक पी के गाड़ी कभी मत चलाओ, तुम चलाओगे तो जी 1000% एक्सीडेंट होगा। जी या अभी यहाँ पे सही शुक्र में जो है ना वो मोबाइल भी है, क्योंकि वो शुक्र मोबाइल और ये जो फैंसी चीजें उनका कारक है। और ये जी देखिए आप मिथुन राशि में बैठा है जो फोन बात करने का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो गाड़ी चलाते टाइम बात नहीं सही करते, और इनको भी ऐसा जी करना चाहिए क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो पिटेंगे, एक्सीडेंट होगा इनका। जी 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 परफेक्ट और इनका जो चंद्र है ना, परफेक्ट चंद्र जी जो है वो 12वें में, तो इनके लिए ये भी जरूरी है क्योंकि 12वां घर सबसे खतरनाक होता है दुस्थानों में 6-8 12 में से, तो अच्छा जी इनके लिए ये भी बहुत जरूरी है। इनकी मन स्थिति जब ठीक नहीं है, तो मान लो बहुत जी बुरा कुछ हुआ है इनके जिंदगी में, या इनका जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो ये गाड़ी कभी ना चलाए, जी समय बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इनके लिए गाड़ी चलाना। जी और इनका जो अष्टमेश है वो 10वें घर में, तो हम ये भी बोल सकते हैं ज्यादा दिखावा मत करो, उससे भी आपको जी चोट लग सकती है। राइट उससे आपको चोट लगेगा, ऐसा नहीं कि गाड़ी टूट जाएगा लेकिन आपको चोट लगेगा उससे। जी
हाँ तो ऐसी ऐसे प्रिकॉशंस हम दे सकते हैं कि किस टाइप में आपको कैसी चीजों से दिक्कत हो सकती है। तो जी। ये हो गया, और कुछ बोलना है आपको इस पे? नहीं भाजी जी, बहुत अच्छा आपने ये एक बहुत ही जो प्रैक्टिकली लोगों को जरूरत है इस तरह के गाइडेंस की, वो आपने इसमें दिया। शुडशांश कुंडली के लिए एकदम बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, उसके लिए बहुत थैंक यू। आप ही इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, खास हाँ तो करके जो एक्सीडेंट वाला, कलर वाला, ये सब चीजें जो है, ये प्रैक्टिकल आवश्यकताएं रोज रोज पड़ती हैं। जब भी कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी सभी के पास है, ये बहुत अच्छा आपने बताया। अब आप इसके बाद क्या बताना चाहेंगे भाई, हाँ मेरे कौन पास सा दो चैप्टर? तीन और है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जी, बिल्कुल। तो ये तो व्हीकल्स का तो हो गया, तो हाँ ये बहुत जरूरी कुंडली जी, है। भारतवर्ष में तो सारे प्रश्न इसी से संबंधित होते हैं। जितने भी कोई बिल्कुल भी बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहले यही कुंडली खोलना पड़ता है। पढ़ाई किसमें करनी बिल्कुल बिल्कुल। है ना?